हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी का ब्रांड न्यू ZV-E10 कैमरा। ये एक व्लॉगिंग कैमरा है, इसका मतलब इसमें जो फीचर्स है दे आर गोइंग टू बी सूटेबल फॉर व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर। सोनी इज ऑलरेडी अ मार्केट लीडर एज फार एज मिररलेस कैमराज आर कंसर्न, और इनकी जो अल्फा या A6000 सीरीज है, इट हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट मिररलेस कैमराज। एंड ये कैमरा चॉइस है बहुत सारे व्लॉगर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स की, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की एज वेल एज वीडियोग्राफर्स की। बट कुछ ही साल पहले सोनी ने रिलीज किया उनका ZV-1 कैमरा, विच वॉज स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स व्लॉगर्स। नाउ ZV-E10 इज वन स्टेप फर्दर फ्रॉम ZV-1 बिकॉज इट हैज गॉट एन ई माउंट। इसका मतलब ये है कि इसमें इंटरचेंजेबल लेंसेज है, विच इज गोइंग टू हेल्प कॉन्टेंट क्रिएटर्स टू गेट मोर क्रिएटिव। बट इज इट द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा आउट देयर? लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि ये कैमरा भी इंटरचेंजेबल लेंसेज के साथ आता है कंपेयर टू ZV-1, वी कैन पुट इट बिटवीन ZV-1 एंड A6000 सीरीज कैमरास, बिकॉज फीचर्स वाइज ये प्रोवाइड करता है वो सारे फीचर्स जो ZV-1 में है, विच आर व्लॉगिंग स्पेसिफिक। एंड दिस कैमरा ऑल्सो प्रोवाइड्स हार्डवेयर एंड पिक्चर क्वालिटी ऑफ A6000 सीरीज। सो लेट अस फर्स्ट चेक आउट हाउ दिस कैमरा इज बिल्ट। ZV-E10 कैमरा काफी कॉम्पैक्ट है और ये आपके हाथों में इजिली फिट हो जाता है। इसकी बॉडी प्लास्टिक मेड है एंड इसका वेट है 343 ग्राम्स विदाउट द लेंस बट विद द बैटरी। इसके टॉप में सबसे पहले आपको दिखेगा एक हॉट शू, जिसके ऊपर आप अलग अलग डिवाइसेस जैसे कि एक्सटर्नल माइक्स, एक्सटर्नल फ्लैश, एक्सटर्नल लाइट्स, ये सब फिट कर सकते हैं। उसी के साइड में आपको दिखेगा माइक का मॉड्यूल। दिस कैमरा हैज गॉट अ डायरेक्शनल 3-कैप्सूल माइक्रोफोन। देन राइट साइड में आते ही आपको दिखेगा ऑन ऑफ स्विच। देन एक फोटो का शटर बटन है। देन आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग बटन दिखेगा। देन आपको दो शॉर्टकट बटन भी दिखेंगे। इस बटन से आप बैकग्राउंड डीफोकस फीचर को टॉगल कर सकते हैं एंड इस बटन से आप शूटिंग मोड टॉगल कर सकते हैं, जिसमें फोटो, वीडियो या स्लो मोशन मोड के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। देन टॉप साइड में एक डायल भी दिया गया है, जिसके साथ आप अलग अलग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके पिक्चर शटर बटन के साथ आपको एक जूम रॉकर भी मिलेगा, जिसके साथ आप लेंस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बैक साइड में आपको यूजुअल बटन्स दिखेंगे, जैसे कि एक मेन्यू बटन है, एक फंक्शन बटन है, एक डायल दिया गया है सेटिंग्स चेंज करने के लिए, एक पिक्चर व्यू बटन है और एक डिलीट बटन भी है, विच ऑल्सो डबल्स एज अ शॉर्टकट फॉर प्रोडक्ट रिव्यू फीचर, जिसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। देन आता है LCD स्क्रीन। ये एक 3-इंच का आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है, जिसको आप अलग अलग डायरेक्शंस में मोड़ सकते हैं। इसके बॉटम साइड में आपको दिखेगा यूनिवर्सल स्क्रू माउंट एंड उसी के साइड में है बैटरी कंपार्टमेंट, जिसमें आपको NP-FW50 मॉडल का बैटरी दिखेगा, विच वॉज यूज बाय अर्लियर A6000 सीरीज कैमराज। देन बैटरी कंपार्टमेंट में ही आपको दिखेगा SD कार्ड स्लॉट भी, विच सपोर्ट्स अप टू 256 GB ऑफ SD कार्ड। इसकी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको दिखेगा इसका माइक पोर्ट, देन उसके नीचे ही आपको मिलेगा USB पोर्ट, HDMI पोर्ट और एक हेडफोन जैक, जिसके साथ आप ऑडियो मॉनिटर कर सकते हैं। फ्रंट में ऑब्वियसली लेंस है और लेंस को हटाते ही आपको दिखेगा सोनी ई माउंट, जिसमें आप इसके कंपैटिबल लेंसेज इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की और फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है कि इसमें इंटरचेंजेबल लेंसेज आते हैं। That means now you have a wide variety of lenses that you can use, right from wide angle lenses to telephoto zoom lenses to prime lenses, जिनके साथ आपको अच्छा background blur भी मिलता है। Interchangeable lenses एक ऐसा feature है जो usually DSLR cameras के साथ देखा जाता है, and with these interchangeable lenses you can get more creative compared to what you are doing with your mobile phones or compact vlogging cameras. Then next feature is APS-C sensor. ये sensor usually हमें DSLR cameras में ही देखने को मिलता है, and it is way bigger than your mobile phone camera sensors. That means ये sensor ज़्यादा data capture करता है, और इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें मिलता है better picture and video quality, better background blurs and better low light performance. The next feature वो है जिसकी वजह से personally मैंने ये camera खरीदा, वो है 4K recording. This camera records 4K videos at 30 frames per second, और ये actually capture करता है 6K video और उसको downscale करता है 4K पे, and that's why you get a better 4K quality also. It also records 1080p full HD videos at 120 frames per second. That means आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा smooth slow motion videos. ये कैमरा फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी कर लेता है। इसका जो APS-C सेंसर है वो एक 24 MP सेंसर है, which is what you usually get in entry level DSLRs and even mid professional level DSLRs. And this resolution is sufficient for you to get very good quality photos.
ये कैमरा 11 फ्रेम्स पर सेकंड के स्पीड से भी फोटोज ले सकता है, जिसका मतलब ये एक सेकंड में 11 फोटोज ले सकता है। तो अगर आप कोई हाई स्पीड एक्शन शूट करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर टू डू दैट। एंड टॉकिंग अबाउट शूटिंग हाई स्पीड एक्शन, इसमें है ऑटो फोकस विद 425 पॉइंट्स एंड इट कम्स विद कंटिन्यूअस आई एंड सब्जेक्ट ट्रैकिंग फीचर, जिसके साथ आप आपके सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली शार्प फोकस में रख सकते हैं। इसका आई ट्रैकिंग फीचर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स के आई को ट्रैक कर सकता है, और इसका मतलब ये है कि आप आपके पेट्स के या दूसरे एनिमल्स के बहुत अच्छे फोटोज या वीडियोज ले सकते हैं विद शार्प फोकस। सोनी ने ZV-E10 कैमरा में यूज किया अपना नया कलर साइंस। इसका मतलब ये है कि आप जो भी फोटोज या वीडियोज लेते हैं उनका इन कैमरा कलर कैलिब्रेशन काफी अच्छा है, और अगर आप खुद कलर कैलिब्रेशन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं देन दिस कैमरा कैन ऑल्सो शूट वीडियोज इन S-Log पिक्चर प्रोफाइल, जिसमें शूट किए हुए वीडियोज को आप खुद ही कलर ग्रेड कर सकते हैं, गिविंग योर क्रिएटिव फ्रीडम विथ योर वीडियोज। एंड लेट मी टेल यू, ये फीचर यूजुअली मिड प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल DSLR कैमराज में ही दिखाई देता है। अब बात करते हैं वो फीचर्स की जो व्लॉगर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी अच्छे हैं। सबसे पहले तो ये कैमरा काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। इट इज अ वेरी पॉकेटेबल कैमरा, सो आप इसको इजीली आपके किसी भी बैग में डाल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। देन ये लाइट वेट होने की वजह से इट इज वेरी गुड फॉर व्लॉगर्स बिकॉज दे हैव टू होल्ड द कैमरा फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ मिनी ट्राइपॉड और अ ग्रिप। द नेक्स्ट फीचर इज द आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन, विच इज अ रियल ब्लेसिंग फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स, स्पेशली वो लोग जो अपने आप को शूट करते हैं। जैसे कि मैं अपने आप को अभी शूट कर रहा हूँ और स्क्रीन को पूरा उल्टा फ्लिप करके मैं अपने आप को देख सकता हूँ, अपनी पोजीशन देख सकता हूँ एंड फ्रेमिंग देख सकता हूँ। देयर इज आल्सो वन मोर यूजफुल फीचर, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन के अराउंड एक रेड या व्हाइट कलर का फ्रेम आता है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपका रिकॉर्डिंग ऑन है। एंड कैमरा के फ्रंट साइड में और एक रेड इंडिकेटर LED दिया हुआ है जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद जलता है। आई फील दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर सो दैट यू डोंट मिस दोस प्रेशियस मोमेंट्स व्हाइल यू आर शूटिंग समथिंग। इस कैमरा में एक इनबिल्ट डायरेक्शनल 3 कैप्सूल माइक्रोफोन जो साउंड को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। इस डायरेक्शनल 3 कैप्सूल माइक्रोफोन का मतलब ये है कि आप कैमरा के कोई भी डायरेक्शन से अगर शूट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो ये आपके वॉइस को अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। इवन इफ देयर इज टू मच नॉइज अराउंड यू, ये आपके वॉइस को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। दिस फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर व्लॉगर्स जो हैवी ट्रैफिक एरियाज में या नॉइजी एरियाज में भी शूट कर सकते हैं। So let's go outside for a bit और देखते हैं इसका माइक कैसे परफॉर्म करता है। So right now I'm trying to record from the inbuilt microphone, which is a dimensional 3 capsule microphone. So जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारी ट्रैफिक की नॉइज़ है। आप यहाँ पे शायद रोड पे देख सकते हैं कितनी सारी ट्रैफिक गुजर रही है। So ट्रैफिक के चलते भी, नॉइज़ के चलते भी ये मेरी आवाज़ अच्छे से कैच कर लेता है। एटलीस्ट एक व्लॉगर को जितना रिक्वायर्ड है, जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है, वो क्वालिटी ये माइक आपको दे सकता है। So this basically negates the need for any external mic if you don't want to buy an external mic or don't want to carry an external mic. So this mic definitely sounds good and still if you want a better quality you can always buy an external mic. इस कैमरा में जो बटन के प्लेसमेंट्स है दे आर वेरी व्लॉगर एंड क्रिएटर फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल इसका रिकॉर्ड बटन बहुत ही एक्सेसिबल है जब भी मैं इस कैमरा के फ्रंट से या बैक से शूट कर रहा हूँ। एंड इसके जो दूसरे शॉर्टकट बटन है दे आर वेरी कन्वीनियंटली प्लेस्ड स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर बिगिनर्स। इस कैमरा के साथ जो किट लेंस आ रहा है वो 16 to 50 mm की फोकल लेंथ रेंज प्रोवाइड करता है, विच इज आइडियल फॉर बिगिनर्स। इसकी जो वाइड एंगल रेंज है 16 mm की, इट इज परफेक्ट फॉर व्लॉगर्स जो खुद को वीडियो शूट करना चाहते हैं। एंड जैसे ही आप इस कैमरा के साथ कॉन्फिडेंट होते हैं और इसकी ये लेंस आपको लिमिटेड लगने लगती है, दैट इज द पॉइंट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंसेज एंड बी मोर क्रिएटिव। इसमें एक फीचर है कॉल्ड फेस प्रायोरिटी एक्सपोजर। तो अगर आप ऐसी जगह शूट करें जहां लाइट कम या ज्यादा होती रहती है, वहां पे ये आपके फेस के एक्सपोजर को प्रायोरिटी देगा और आपका फेस आपके वीडियो में वेल एक्सपोज रहेगा ऑल द टाइम। अगेन अ गुड फीचर फॉर व्लॉगर्स। इस कैमरा में अलग अलग शूटिंग मोड्स दिए हुए हैं, स्पेशली वन मोड कॉल्ड एज इंटेलिजेंट ऑटो मोड, जिसमें आपको किसी भी सेटिंग को हाथ नहीं लगाना पड़ता। ऑल द सेटिंग्स आर डन बाय द कैमरा ऑटोमेटिकली, यू जस्ट हैव टू पॉइंट एंड शूट, दैट्स ऑल। इसमें और एक शॉर्टकट बटन दिया गया है टू टॉगल बिटवीन फोटो, वीडियो एंड स्लो मोशन मोड वेरी क्विकली विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन। इस कैमरा में स्किन स्मूथनिंग मोड भी है जो आपकी स्किन को ऑटोमेटिकली स्मूथ कर देता है। दिस फीचर इज वेरी गुड स्पेशली फॉर इंस्टाग्राम। और हाँ, इंस्टाग्राम से याद आया, ये कैमरा बहुत ही आसानी से वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो शूट कर लेता है, जिसको आप इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हैं। इसमें एक शॉर्टकट बटन है कॉल्ड बैकग्राउंड डी फोकस, जो क्लिक करने से इंस्टेंटली आपका बैकग्राउंड फोकस या डी फोकस हो सकता है। It is a very controversial option, especially for professional photographers and videographers. But for beginners, it is a very good option जहाँ पे आपको settings की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। Just एक button click करके camera अपने आप settings change करके आपके background को focus या defocus कर सकता है। But हाँ, amount of background blur depends on the lens that you are using. अगर आप wide aperture वाली lens को use कर रहे हैं
तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। इसका और एक इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट शोकेस। तो आप अगर किसी प्रोडक्ट का वीडियो बना रहे हैं और आपके प्रोडक्ट को आप दिखाना चाहते हैं कैमरा पे, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट को कैमरा के सामने होल्ड करते हैं, काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपका कैमरा आपके प्रोडक्ट के ऊपर ठीक से फोकस नहीं करता बिकॉज योर कैमरा इज़ बिजी फोकसिंग ऑन योर फेस। तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं या कॉन्टेंट क्रिएटर्स रहते हैं, वो जब भी अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने जाते हैं या कैमरा के सामने दिखाने जाते हैं, तभी वो प्रोडक्ट के साथ अपना हाथ भी ऊपर उठा लेते हैं और प्रोडक्ट के अगेंस्ट रख देते हैं, सो दैट वो कैमरा आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके हाथ के ऊपर ठीक से फोकस कर पाए। बट इस फीचर की वजह से आपको वो सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक योर प्रोडक्ट एंड जस्ट होल्ड इट अगेंस्ट द कैमरा एंड द कैमरा विल ऑटोमेटिकली फोकस ऑन द प्रोडक्ट एंड व्हेन यू रिमूव योर हैंड इट विल अगेन फोकस बैक ऑन योर फेस। देन नेक्स्ट फीचर है एक्टिव स्टडी शॉट। इस कैमरा में ऑप्टिकल स्टेबिलाइजेशन नहीं है बट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन है। दैट मीन्स आपके वीडियो को ये कैमरा डिजिटली स्टेबिलाइज करता है। हाँ, बट इस चक्कर में वो वीडियो को काफ़ी हद तक क्रॉप भी कर देता है। इसकी स्टेबिलाइजेशन की क्वालिटी मुझे ठीक ही लगी, इट कुड हैव बीन बेटर। या फिर इस कैमरा में अगर इन बॉडी स्टेबिलाइजेशन होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट ये फीचर इंक्लूड करने के बाद शायद इस कैमरा की कॉस्ट बढ़ जाती। एंड फाइनली यू कैन यूज़ दिस कैमरा एज अ वेबकैम ऑल्सो। इसमें जो USB-C पोर्ट है उसके साथ आप इसको PC को कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसको वेबकैम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस कैमरा फॉर स्ट्रीमिंग एंड जिसके लिए इसका एक ऑप्शनल एक्सेसरी भी आता है विच इज़ एन AC पावर अडाप्टर, जहाँ पे आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इस कैमरा को AC पावर पे चला सकते हैं। बट ये कैमरा स्ट्रीमिंग करते समय फ्रेम रेट ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता, तो मेरा सजेशन ये है कि इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ दिस कैमरा फॉर स्ट्रीमिंग पर्पज, इट इज़ बेटर टू यूज़ इट विद सम काइंड ऑफ कैप्चर कार्ड सो दैट आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छे फ्रेम रेट्स मिले। सो ये थे इस कैमरा के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स। अब बात करते हैं इस कैमरा के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। सबसे पहले तो इस कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं है, दैट मीन्स फोटोग्राफी के लिए कैमरा कम्प्लीटली आइडियल नहीं है। बट सोनी इज मार्केटिंग दिस कैमरा एज अ व्लॉगिंग कैमरा, सो आई पर्सनली हैव नो कम्प्लेंट्स अबाउट इट बिकॉज फोटोग्राफी के लिए मेरे पास दूसरा कैमरा अवेलेबल है। बट आपके पास अगर फोटोग्राफी के लिए अलग से कैमरा अवेलेबल नहीं है, तब भी आप इस कैमरा के साथ बहुत अच्छे फोटोज ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द बैटरी। द साइज ऑफ द बैटरी इज वेरी स्मॉल। थोड़ी और बड़ी बैटरी होती और कैपेसिटी वाली बैटरी होती तो बहुत अच्छा होता। देन इसकी जो LCD स्क्रीन है वो एक टच स्क्रीन है, बट इसकी टच फंक्शनैलिटी काफ़ी लिमिटेड है। आप इसकी टच फंक्शनैलिटी को सिर्फ ट्रैकिंग फोकस के लिए या ऑब्जेक्ट फोकसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट आपको अगर मेन्यू ऑप्शंस चेंज करने हैं देन यू हैव टू रिलाई ऑन हार्डवेयर बटन्स। इस कैमरा में इन बॉडी स्टेबिलाइजेशन नहीं है, तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन के ऊपर, या फिर आपको ऐसा लेंस लेना पड़ेगा जिसमें इनबिल्ट स्टेबिलाइजेशन है। इस कैमरा में इनबिल्ट ND फिल्टर्स नहीं है जो ZV-1 में थे। ND फिल्टर्स तब काम आते हैं जब आप आउटडोर में ब्राइट सनलाइट में शूट करना चाहते हैं एंड यू स्टिल वॉन्ट टू यूज दैट वाइड अपर्चर फॉर बेटर बैकग्राउंड ब्लर्स। देन सोनी के जो लेंसेज है वो काफी एक्सपेंसिव है कम्पेयर टू द काउंटर पार्ट्स लाइक कैनन और निकॉन, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है। There are also third-party manufacturers like Sigma, Tamron, etc. who manufacture lenses for Sony E-mount. And finally, इसकी जो build quality है, it is completely made of plastic compared to some higher-end 600 series cameras जिनकी body magnesium alloy से बनी हुई है और वो weatherproof है। But जिन drawbacks के बारे में अभी मैंने बात की, वो सब drawbacks को अगर Sony हटाने गई, तो ये camera की cost बहुत ही ज़्यादा हो सकती है या camera की size भी बढ़ सकती है। So Sony wanted to make this camera lighter, compact and comparatively cheaper, keeping vloggers and content creators in mind. इस कैमरा की प्राइस है 59,490 only for the body and 69,990 along with the kit lens. इस कैमरा के एक्सेसरीज में एक शूटिंग ग्रिप भी आता है जो आपको अलग से खरीदना पड़ता है, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 rupees एंड इट इज ग्रेट फॉर व्लॉगर्स बिकॉज उसमें जूम फंक्शनैलिटी एंड रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ के बटन्स भी दिए हुए हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो अलग से आप इस एक्सेसरी को खरीद सकते हैं। इसकी जो प्राइस है इट इज लेस देन सम एंट्री लेवल DSLR कैमरास विद गुड वीडियो फीचर्स, बट इट गिव्स इक्वली गुड क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड फोटोज कंपेयर टू दोस एंट्री लेवल DSLR कैमरास। बाइंग अ प्रॉपर DSLR और अ मिररलेस कैमरा इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न द टेक्निकलिटीज ऑफ दिस कैमरा टू यूज इट प्रॉपरली। एंड एज अ व्लॉगर और अ कंटेंट क्रिएटर एस्पेशली बिगिनर्स, वो कैमरा के सेटिंग्स में टाइम स्पेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज उनको जल्दी जल्दी अच्छे मोमेंट शूट करने होते हैं और उनको गवाना नहीं होता। हाँ, मोबाइल फोन यही काम ऑटोमेटिकली और इजीली कर सकता है, बट दिस कैमरा डज इट बेटर। तो ये कैमरा आपके लिए है अगर आप एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो जो अभी भी मोबाइल फोन से शूट कर रहे हो और आपको अपग्रेड करना है एक अच्छे DSLR कैमरा पे, या आप अगर ऐसे व्लॉगर हो जिनको ऐसे कैमरा पे अपग्रेड करना है जो कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, अच्छी क्वालिटी के वीडियो और अच्छा क्वालिटी के साउंड प्रोवाइड करता है, तो ये कैमरा डेफिनेटली आपके लिए है।
तो आपके पास अगर ऑलरेडी एक DSLR कैमरा है विद गुड लेंसेज, देन यू कैन स्किप द आइडिया ऑफ बाइंग दिस कैमरा। बट आप अगर आपके मोबाइल से अपग्रेड करना चाह रहे हो, आप अगर एक बिगिनर हो और एक DSLR कैमरा लेना चाह रहे हो, देन ZV-E10 इज एन ऑप्शन वर्थ कंसिडरिंग। बिकॉज ये एक DSLR कैमरा है विद इंटरचेंजेबल लेंसेज एंड ऑटोमेटिक सेटिंग्स के साथ, ये आपको मैनुअल सेटिंग्स भी प्रोवाइड करता है। तो आप आगे जाके कैमरा के मैनुअल सेटिंग्स भी सीख के यूज कर सकते हो एंड यू कैन गेट मोर क्रिएटिव विद योर वीडियोस एंड फोटोज। सो टू कंक्लूड, ये एक बेस्ट DSLR कैमरा तो नहीं है, बट इट इज डेफिनेटली अ कंटेंडर टू बिकम द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा। सो दैट वॉज टूडेज वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू डू गिव इट अ थम्स अप। And don't forget to subscribe to my channel. Before we go, let me share with you one more interesting fact. आप में से काफी सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो and I thank you for that. But आप में से 94% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे YouTube के एनालिटिक्स से पता चला है। So I humbly request you not to forget to subscribe to my channel because that will be highly encouraging. And I will see you in my next video. My name is Kunal and you are watching Tech Hive.